हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जाना कि क्लासिफिकेशन और रेट ऑफ जीएसटी कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन ये जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो किस वैल्यू पे ली जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो वैल्यू जिस पे हम टैक्सेस देते हैं उसको हम कहते हैं जीएसटी के अंदर ट्रांजेक्शन वैल्यू। कहने का मतलब ये कि जिस रेट पर आप सामान बेच रहे हैं उस रेट पर आपको जीएसटी पे करना है। अगर आपने 100 रुपये का बेचा और 10 रुपये जीएसटी का रेट है तो 10 रुपये पे करना होगा। अगर आपने 50 में बेचा तो 5 रुपये पे करना होगा। तो जिस रेट पे आप बेचेंगे, जिस दर पे आप बेचेंगे, उसी के हिसाब से आपको जीएसटी पे करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन वैल्यू को डिफाइन करते हैं, जो कि सेक्शन 15(1) में दिया हुआ है। जो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है जो कि प्राइस पेड और पेबल, एक्चुअली पेड और पेबल हो, मतलब कि जो आप एक्चुअली पे करें या आप फ्यूचर डेट में पे करें जो कि बाद में आपको पे करना हो, और जिसमें सप्लायर और रिसिपिएंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और प्राइस जो है वो सिर्फ सोल कंसिडरेशन है सप्लाई की। मतलब जैसे अगर आपने कोई सामान बेचा या कोई सर्विसेज सप्लाई की, तो जो भी पैसा आप वहाँ पर पेमेंट करते हैं वो माना जाएगा, चाहे आप इमीडिएटली पे करें चाहे आप पेबल वो बाद में आप पे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन जो बायर और सेलर है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, प्राइस के अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रिलेटेड पर्संस होते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो है आपका सेक्शन 15(5) के एक्सप्लेनेशन में ये डिफाइन किया गया है। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि जो पर्संस हैं इंक्लूडिंग लीगल पर्संस जो हैं वो रिलेटेड माने जाएंगे अगर ये जो लोग हैं ये ऑफिसर्स या डायरेक्टर हों एक दूसरे के बिजनेस में, या ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हों बिजनेस में, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हों, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करते हों, कंट्रोल करते हों, होल्ड करते हों 25% या इससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वोट्स, स्टॉक्स या शेयर, या इनमें से एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे को कंट्रोल करता है, या दोनों जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन से कंट्रोल होते हैं, या दोनों मिल करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या फिर वो एक ही फैमिली के मेंबर हों। तो इसके अंदर ये जो सारी कंडीशंस हैं इसके अंदर वो रिलेटेड माने जाएंगे। अब हम आते हैं कि फैमिली को यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया। ये फैमिली जैसे हम आम भाषा में जो फैमिली कहते हैं वो नहीं है, यहाँ पे फैमिली की स्पेसिफिक डेफिनेशन है। इसके दो पार्ट हैं। पहला, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, जो पति पत्नी हैं उस व्यक्ति के या जो उसके बच्चे हैं वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होंगे, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे ना हो। लेकिन जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स हैं वो उस पर तब रिलेटेड माने जाएंगे अगर उस पर पूरी तरीके से या मेनली जो है वो डिपेंडेंट हों। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो रिलेटेड नहीं माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो एक दूसरे के बिजनेस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे का सोल एजेंट है या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनियर है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो एक दूसरे को रिलेटेड माने जाएंगे। चलिए अब हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दी हुई है, और ये जो है ये सेक्शन 231 में डिफाइंड है। तो जो टर्म कंसिडरेशन उसके अंदर जो डेफिनेशन वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। वो इंक्लूसिव डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी पेमेंट किया जाए, मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी, चाहे पैसे में हो या अदरवाइज हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वेदर बाई द रिसिपियंट और बाई एनी अदर पर्सन, चाहे रिसिपियंट स्वयं पे करे या किसी और व्यक्ति के द्वारा वो पेमेंट किया जाए, बट उसके अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी है, चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो उसके अंदर नहीं आएगी। दूसरी जो डेफिनेशन का पार्ट है वो ये कहता है कि ये मॉनेटरी वैल्यू होगी किसी एक्ट की या फोरबियरेंस की, और उसके अंदर भी वही कंडीशंस हैं कि जो पेमेंट है, चाहे वो इंड्यूसमेंट हो या रिस्पॉन्स हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का हो, वेदर बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, वो सब चीज़ें इंक्लूड होंगी सब्सिडी को छोड़ के। तो यहाँ पर देखिए हमें जानना होगा कि एक्ट और फोरबियरेंस इसमें दिया हुआ है। एक्ट का मतलब कि अगर कोई काम आप करते हैं उसके लिए आपको कंसिडरेशन मिलता है, वो इंक्लूड हो गया। फोरबियरेंस का मतलब ये होगा कोई काम करने से आपको मना किया जाता है और उसके लिए पेमेंट मिलता है।
जैसे कि आपने कोई कंपनी छोड़ी और कंपनी ने कहा कि भाई आप इस कंपनी के सीक्रेट्स नहीं बताइएगा, या आप इस तरीके के बिजनेस में अगले 5 साल तक नहीं अपने को इन्वॉल्व करिएगा और इसके बदले में हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं या कोई पैसा देते हैं, तो वो जो पैसा होगा वो भी इसके दायरे में आ जाएगा और उस पर भी GST आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि वो कंसिडरेशन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि अगर जो है कोई डिपॉजिट देता है कोई व्यक्ति सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए, उसको हम पेमेंट नहीं मानेंगे जब तक कि ये जो सप्लायर है इस डिपॉजिट को कंसिडरेशन में अप्लाई ना करें। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया कि आपने एक ज़मीन बेची और बैठ करके बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने आपको एक टोकन मनी दे दिया, मान लिया 10,000, 20,000, 50,000 रुपये। तो वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि वो जो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मान लिया जाए, वैलिड किया जाए या उसकी गारंटी हो गई, तो उसको नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन। लेकिन मान लिया ये बात हो कि भाई आपको 10% पैसा देना है जो कि हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे आपके उसमें, तो हम उसको कंसिडरेशन मानेंगे। देखिए, GST एक्ट के अंदर हमें हर चीज़ जो लीगल चीज़ है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है। जैसे कि जो मनी है, आम तौर पे हम मनी का मतलब समझते हैं करेंसी नोट है, पैसा है, उसको हम मनी कहते हैं। लेकिन GST एक्ट में मनी को बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है Section 2(75) में। इसमें कहा गया है कि जो मनी का मतलब है वो कोई भी जो इंडियन लीगल टेंडर है या कोई भी फॉरेन करेंसी है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, ट्रेवलर चेक है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रिमिटेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट है जो कि RBI रिकॉग्नाइज करती है, जब हम उसको एक कंसिडरेशन की तरह पे करते हैं कोई ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए, तो वो सारी के सारे चीज़ें जो हैं वो मनी मानी जाएंगी। सिर्फ इसके अंदर जो करेंसी जो है जिसकी न्यूमिसमैटिक वैल्यू होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये देखिए, जो न्यूमिसमैटिक वैल्यू होती है ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो पुराने कॉइन्स होते हैं या पुरानी करेंसीज जो होती हैं जो कि आज नहीं चलती हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 1 रुपया अगर मान लिया बहुत पुराना हो, 100-200 साल का है, तो हो सकता है आज उसकी वैल्यू लाखों में हो, तो वो वैल्यू इसमें नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो भी करेंसीज हैं उनकी सबकी वैल्यू इसमें मानी जाएगी। अब GST के अंदर आपको जानना है कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है उसमें कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड करनी है, ये Section 15(2) में डिफाइन की गई हैं। इसके अंदर देखिए जो आपको चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसमें कोई भी टैक्स हो, ड्यूटी हो, सेस हो, फीस हो या चार्ज हो, एक्सेप्ट जो GST एक्ट के अंदर जो टैक्सेस लगते हैं, उसके अलावा कोई भी टैक्स होगा वो इसमें इंक्लूड होगा। या ऐसा कोई भी अमाउंट है जो कि सप्लायर को पे करना है लेकिन वो रिसिपिएंट पे करता है अपनी तरफ से, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके अलावा जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कमीशन है, पैकिंग है, जो कि जो है सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से चार्ज करता है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट है, लेट फी है या पेनल्टी है जो डिलेड पेमेंट के लिए जाती है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इस इशू पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, आपने अगर कोई फ्लैट परचेज किया तो उसमें क्या होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अगर इंस्टॉलमेंट आपने डिले किया तो उसमें आपको पेनल्टी लगती है, 2%, 3% महीने की पेनल्टी लगती है। तो उसको इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए, इसमें बहुत सारा डिस्प्यूट्स रहता है। कई बार जो बिल्डर होते हैं वो कहते हैं कि साहब अगर टाइम से पेमेंट हो गया होता तो ये पैसा वो नहीं देते, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सारी के सारे जो पेमेंट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली जो लिंक हैं प्राइस के साथ में, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वो सारी की सारी जो सब्सिडीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। इसके अंदर एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसके अंदर ये कहा हुआ है कि अगर सप्लायर को सब्सिडी रिसीव हो रही है तो उसी सब्सिडी को हमें इंक्लूड इसमें करना है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी चीज़ें हैं जो वैल्यू में एक्सक्लूड की जाएंगी, उसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ये भी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है Section 15(3) के अंदर। तो इसमें क्या चीज़ें जो है एक्सक्लूड नहीं करनी, एक तो डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है जो कि सप्लाई के समय या सप्लाई से पहले आपको मालूम है, वो सारे के सारे जो डिस्काउंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे कि मान लिया आपने कहा कि अगर आप 100 पीस खरीदते हैं तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 100 रुपये की चीज़ आप 90 में देंगे तो आपको 90 पे करना है, 100 रुपये पे नहीं पे करना है GST, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। दूसरे ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं जो कि बाद में पता चलते हैं। जैसे अगर आपने ये कहा कि 1 साल के अंदर अगर आपने मेरे 50,000 पीस बेच दिए तो हम आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे,
अब ये जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो तो साल के आखिर में पता चलेगा, क्योंकि कितने पीस उसने बेचने साल भर में ये तो आज आप बता नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो डिस्काउंट है जो कि पहले से आपको निर्धारित किया गया है लेकिन पेमेंट बाद में हो रहा है, वो भी उसके अंदर जो है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं एसेसिबल वैल्यू से। तो अब आप देखिए कि जब आपने इनवॉइस इशू किया तो 90 पे आपने जीएसटी पे किया, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू घट करके 80 हो गई। अब 80 पे आपने जीएसटी उसमें पे किया तो जो 10 रुपये का एक्स्ट्रा जो जीएसटी पे किया है वो उसमें एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि उसका क्रेडिट वो ले चुका है और वो क्रेडिट को वो रिवर्स करेगा। तो जब उस क्रेडिट को रिवर्स करेगा तो उसका भी जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है कि जब भी आपको पहले से पता रहता है कितना डिस्काउंट देना है, भले ही आप उसको बाद में दें, तो उसके साथ जो डिस्काउंट है और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आपको एक्सक्लूजन मिल जाता है। अब हम जानते हैं कई बार क्या होता है, जो सप्लाई होती है उसमें जीएसटी मेंशन नहीं रहता है। ये कहा जाता है कि ये जो वैल्यू है वो जीएसटी को इंक्लूड करके है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लिया 100 रुपये उसकी वैल्यू जीएसटी इंक्लूड करके है, तो 100 रुपये पे जीएसटी चार्ज की जाएगी या इससे कम पे जीएसटी चार्ज की जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई जो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो जो जीएसटी का निर्धारण होगा वो इस फार्मूले से होगा। जो फार्मूला इस तरीके से है, टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस मल्टीप्लाइड बाई जीएसटी रेट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस सम ऑफ जीएसटी रेट इन परसेंटेज। जैसे कि मान लिया अगर कोई भी वैल्यू है 100 रुपये जो जीएसटी इंक्लूड करके है, और अगर जीएसटी का रेट 18% है तो जो टैक्स अमाउंट होगा वो होगा 100 × 18 डिवाइडेड बाई 100 + 18, मतलब 1800 डिवाइडेड बाई 118, और ये हो गया आपका 15 रुपये 25 पैसे। तो इस तरीके से आपने देखा कि 100 रुपये पे जीएसटी आपने नहीं पे किया बल्कि कम रेट पे आपने जीएसटी पे किया है, इसीलिए 18 रुपये की जगह आपकी जो लाइबिलिटी है वो 15 रुपये 25 पैसे आई है। तो आपको ये फार्मूला लगा करके जीएसटी कैलकुलेट करना है अगर आपकी जो वैल्यू है वो जीएसटी को इंक्लूड करके बताई गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने जाना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू हम कैसे निर्धारित करते हैं, और ट्रांजैक्शन वैल्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वैल्यू पे आपको टैक्स देना होता है, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, रिलेटेड पर्सन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने आज जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप अच्छी तरीके से समझें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।